इस बार पहली बार खुशी को मौका मिला है मजे लेने का। और विवेक का शूट किसके साथ है ये आप गैस भी नहीं कर सकते, मतलब घर वाले पूरे खुश हो रहे हैं। खुशियाँ भी बैठी है, बढ़िया पोजेस दे रही है, तो जैसे ड्राइंग कंप्लीट होगी आप मुझे बुला लेना, दिखाएंगे फिर हम सबको। डन, हमें थैंक यू सो मच। ये सारे फुल बाजू की शर्ट्स हैं। मेरे मोस्ट ऑफ द जो कपड़े हैं वो चंडीगढ़ रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने अपने सारे परफ्यूम्स रखे थे, बट ऐसी भाई प्रह करेगी दूर से, आप लोग देखोगे ये लेटर उन्होंने लिखा था, क्या होगा आपको क्या लग रहा है? गोड़ा शायद। गुड मॉर्निंग, वही अच्छी सी ड्रिंक के साथ जो मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, जिसने नहीं देखी है फेसबुक पे वीडियो देखो। ये आप अपना टमी का जो फैट है जल्दी जल्दी कैसे रिड्यूस करो उसके लिए एक ड्रिंक बनाई थी। मैं सुबह सुबह वही ड्रिंक कर रही हूँ। ये अभी भी सो रहे हैं, बताओ देखो। ये वाला मिरर कल मैं आई केयर से लेके आई थी, जो कि मुझे मेकअप के लिए बहुत अच्छा लगा था, और ये मैंने अपने वॉशरूम में लगा लिया। जबकि इतना बड़ा मिरर यहाँ पे है फिर भी अच्छा है, क्योंकि इसमें ना हर चीज जैसे जूम करके दिख रही है, आप देख सकते हो। और हम जा रहे हैं दो दिन बाद कहीं, जो मैं भी नहीं बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं, बट आप लोग गैस करते रहना। मैं डाइटिंग पे हूँ फिर भी मैं ये खा रही हूँ। बेसिकली ये पता नहीं इसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये फर्स्ट टाइम मैंने आईकिया में खाए थे, उस टाइम मुझे इतने अच्छे लगे। कल उनके पास नहीं थे तो उन्होंने बोला हम बना देंगे लेकिन आपको 6 का ऑर्डर देना पड़ेगा, तो मैंने कल बनवाए। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कैसा होता है। तो ये कुछ ऐसे हैं, इनकी शेप ऐसी है, उन्होंने हमें गरम गरम बना के दिए थे इसलिए सारे चिपक गए आपस में। सो गाइस एकदम से स्ट्रेस बढ़ गया बहुत ज्यादा। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारा एकदम से सुपर अर्जेंट शूट आ गया है। और इस बार पता सीन क्या है कि जो हमेशा होता है बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया। मैं खुशी के शूट पे मजे लेता हूँ, इस बार पहली बार खुशी को मौका मिला है मजे लेने का। और विवेक का शूट किसके साथ है ये आप गैस भी नहीं कर सकते, मतलब आपको ऐसा होगा सुपर, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ। क्योंकि जब विवेक ने मुझे बताया था ऐसे ऐसे शूट है, मैं अच्छा था इसके साथ क्या सुपर, मतलब आप सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाओगे सुनते ही कि शूट कैसा होगा, कहाँ होगा, कब होगा, क्यों होगा। घर वाले पूरे खुश हो रहे हैं, मैं उनको मलाई लगा रही हूँ। मैं कहा देखो हम जा रहे हैं, अगर आप यहाँ हो तो हम इकट्ठे जाते, जल्दी आ जाओ। बस अब देख रहे हैं माँ कब आगी। इन केस ऐसा हुआ तो माँ जब यहाँ आएंगी यूवी के वोकेशन पे तो फिर राजा को यही रख लेंगे। आज हमारे साथ ऐसा हुआ कि अगर हमारी वो डील लॉक हो जाती ना तो आज हम सीधा सरप्राइज देते। माँ पापा आप लोग व्लॉग देख रहे थे, मैं बता दूँ आज हम लोग चंडीगढ़ आने वाले थे, हमारा एक शूट आया था, बट क्योंकि पजल हो गया इधर उधर इस वजह से टाइम को लेकर बहुत पजल हो गया ना, क्योंकि हमने जो उसकी कॉल उठाई बंदे की वो उठाई 2 बजे, और जो शूट था वो इवनिंग में था। अगर वो फ्लाइट हमारी खराब ही रहा था तो 6 बजे से पहले कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी हमें, तो 6 बजे अगर हम लोग यहाँ से निकलते तो 8 बजे पहुँचते, लैंड होते होते हमें 9 बज जाते, तो फिर वही बात आती कि 9 बजे तो कोलैब का टाइम ही था। तो वो कह रहे भाई अगर इधर उधर हो गया ना थोड़ा बहुत भी तो जितना भी बजट है कंपनी का सारा पजल हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने कहा भाई अब हम लेट हो गए, अब हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरा शूट भी आ गया, इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा शॉपिंग के लिए और वर्कआउट के साथ। नो कॉम्प्रोमाइज, आप अभी बोल रहा हूँ कि इस बार तो कर ही रहा हूँ अभी 2-3 दिन जो मेरे पास है, लेकिन आगे के लिए भी नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि कब नहीं पता आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कितना बड़ा शूट आ जाए। और खुशी मुझे रोज लामे मारते है दिखा दिखा के कि 5'10" प्लस हाइट चलेगी, जो भी कोई शूट आते हैं बड़े ब्रांड के शूट होते हैं और बॉडी चाहिए, कहती है बस बॉडी और थोड़ी सेट कर लो तो शूट हमारा ही था। हाइट तो आपके उससे भी प्लस है, तो वही हम लोग करने वाले हैं, आपकी ऐसी फिजिक बना के रेडी करके रखेंगे कि कल को जो हम चाहें। मैं एक चीज बताती हूँ, मेरी वजह से विवेक के साथ ऐसा हुआ, जब हमारी शादी हुई थी तो इनका वेट बहुत ज्यादा था, मतलब वेट ज्यादा नहीं था, बॉडी मतलब ऐसी थी पूरी जैसे होता है ना कि मसल्स वसल्स, और मैं बहुत पतली सी थी और छोटी सी थी, तो सब लोग ये बोल रहे थे मेरे घर वाले नहीं नहीं लड़का इतना बड़ा हमें उठ गल टल्ली थोड़ी बांधनी है। तब इन्होंने 18 kg कम किया था, उसके बाद कभी इनको मैंने ढंग में जिम कर रही थी, क्योंकि हमारी शादी के बाद हम 1 महीना जाते हैं, पहले मैं नहीं अच्छे से जाती थी, अब ये नहीं जा रही है, मैं जा रही हूँ, तो इसलिए हम दोनों साथ में कर रहे हैं। अभी मुझे स्टार्टिंग के 10 दिन आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, मतलब 10-15 दिन। मैं तो मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ, आपको भी मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि जो काम मैं पकड़ लेती हूँ ना विवेक को पता है, वो मैं दिल जान जी से सबसे करती हूँ। आचो क्या कर रहे हो आप? मम्मी जी बिठाया स्केच बना रही। बाबू आप स्केच बना रहे हो? आपसे स्केच बनाना आता है? ड्राइंग करते हो आप? तो ये जो आप क्यूट सी बच्चे देख रहे हो इरफान सर की बेटी है, और अभी पहले नहीं पहले ड्राइंग कंप्लीट हो जाने देते हैं। खुशियाँ भी बैठी है, बढ़िया पोजेस दे रही है, तो जैसे ड्राइंग कंप्लीट होगी आप मुझे बुला लेना, दिखाएंगे फिर हम सबको। डन। हाँ बेटा ड्राइंग रेडी है? ड्राइंग रेडी है? ओ माय गॉड, खुही खुही। आपके पास ये कौन सा फोन है? दिल वाला। सर लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आपसे टैलेंटेड है लेकिन ये और क्यूट भी है, तो मैं फोन बना देगी यार, तुम तो फोन में लगी रहती यार। वो तो बनाई नहीं डार्क सर्कल इसने आपके? अरे यार क्या डार्क सर्कल बनाई है, रख लो बेटा अपने पास यार। बेटा हमारे साथ चलो चलो, आप हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, पूल भी है उसमें। आई नो
अपने बेवकूफ बना रखा गया जिनसे बनाया था सर। एक बार एक्सेप्ट कर लो, आपने कहा था मैं आऊंगा, एक बार हाँ तो भर लो भाई। आपने मेरे को नंबर ही नहीं भेजा है, क्या कह रहे हैं मैं आया था, तुम चंडीगढ़ चले गए। तो अभी ये मिलने आए हैं हमें, एंड थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सा कार्ड लाए और काफी तीन चार दिन से बोल रहे थे मिलना है लेकिन मिलना हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने बोला आप जिम ही आ जाओ, मम्मी को मिलना बाकी है, राजा को मिलना बाकी है, माँ को मिलना बाकी है, अभी मम्मी यहीं आप आराम से जाके मिलना। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आशका। मम्मी की बना लेता था इतनी, वो कहते भी वे कहते खुशबू पचाई कोमल को बोला पागल लड़की। कहरा मेरे मुंह से निकल गई थी, मेरी जबान टूट गई थी भैया जी। अगर बाय चांस ये लोग भी ना होते हमारे पास लाइक शुभांशु और शोरे, तो घर की हालत कुछ ऐसी हुआ करती है। अब आप लोग देख सकते हो, इतना अजीब फील हो रहा है कि यार उनके बिना मतलब एक होता है ना घर में बच्चे होते हैं मजा आता है। उनसे पूछा था मूवी का रिव्यू, एक घंटा हो गया उन्हें मूवी देखते हुए, मतलब 10 बजे शुरू हो गई थी, अभी 11:05 हो रहे हैं। आज हम जिम से वर्कआउट करके थोड़ा सा जल्दी आ गए, वो भी कैसी ने आके उनके भी रिव्यू लेंगे कि उनको कैसी लगी मूवी को। भाई मैं तो फ्लैट हो गया था, मैं दोबारा देखने जाऊंगा, लेकिन दी और जीजू और के साथ, मतलब यूवी दी जीजू और हम सब जाएंगे। जब भी कभी चंडीगढ़ वगैरह चक्कर लगेगा तो चंडीगढ़ ही प्लान करेंगे। तो काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि आप अपना होम टूर दो मुंबई वाला, बट होम टूर अभी नहीं देंगे, हमारा 2-3 दिन में और भी सामान आ जाएगा, शू रैक वगैरह, तो हम तब देंगे, लेकिन हम अपने वार्डरोब वाले कमरे का दे देते, क्योंकि इसके लिए भी ना जब मैं स्नैप डालती हूँ काफी मैसेज आते हैं कि आपने ये किसके कपड़े रखे हुए, ऐसे क्यों रखे हुए और अच्छे लग रहे हैं, मतलब ऐसे शॉप जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका स्टाइल करने का। इस बार हम लोगों ने सोचा था कि हम कम से कम कवर्स यूज करेंगे, बिकॉज कवर में इतना मैसअप हो जाता है, हमें कपड़े नहीं मिलते हैं। ये सबसे इजी वे है कि आप अपने कपड़े इजीली ढूंढ सकते हो। तो हमने क्या करा है, हमने ये स्टैंडीज लिए है, जैसे विवेक ने तो एक भी कबर्ड नहीं रखी है, लेकिन मैंने फिर भी एक कबर्ड रखी है, क्योंकि लड़कियों को आप पता है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, लाइक टॉप्स हो गया, जिम वेयर हो गया, जो टांग नहीं सकते, ड्रेसेस टंग जाती है। तो विवेक ने तो प्रॉपर स्टैंडी रखी है, जैसे उनकी सारी शर्ट, ये सारी फुल बाजू की शर्ट्स है, ये सारी हाफ बाजू की शर्ट है, तो इनकी यहाँ पे आ गई है। देन अगर हम इस वाले सेगमेंट में आते तो ऊपर इन्होंने फुल टी शर्ट्स रखी है, नीचे सारी सैंडल्स रखी है। तो मतलब जब पहले क्या होता था कि क्या करे कपड़े, नीचे कोई टी शर्ट है या शर्ट है तो पहनते नहीं थे, तो कई कई दिन हो जाते थे, तो कुछ तो ऐसा होता था कि नीचे दबी रहती थी सालों साल। तो अब क्या है, जो भी चाहिए उतारो पहनो, वॉश होने के बाद सीधा यही टंग जाती है। इस बार हमारे पास स्टीम प्रेस है, तो इजीली यही से हैंगर उतारो, उस पर टांग दो और स्टीम से प्रेस कर लो। एक सबसे तगड़ी चीज बताऊं उन्होंने, लेकिन बॉम्बे आने के बाद देखो शर्ट्स हैं दबा के यूज हो रही हैं, ये वाली हाफ बाजू की शर्ट्स हैं यूज हो रही हैं, ये वाली टी शर्ट से यूज हो रही है, ये तो दबा के यूज हो रहे हैं सैंडोज, लेकिन ये वाला कैबिनेट तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, क्योंकि पता है नॉर्थ में बहुत ठंड पड़ रही है, अरे आपको ठंड नहीं लगती, आप इतने हाफ हाफ कपड़े पहन घूमते हो, तो लिटरली यहाँ पे एसी चलता है, यहाँ पे सर्दी बिल्कुल नहीं है, और ये वाली जैकेट तो बिल्कुल यूज नहीं हो रही है। मैंने एक ही स्टैंडी रखी है, इसका रीजन ये है कि मेरे मोस्ट ऑफ द जो कपड़े हैं वो चंडीगढ़ रखे हुए हैं, यहाँ पे जो कपड़े जो मैंने अभी तक पहने नहीं वो सारे मैंने बैग में करके स्टोर रूम में रख दिए, क्योंकि जो नहीं पहने वो फिर मेरे को पता रहता है ये कपड़े अभी तक मैंने पहने नहीं है। और दुश्मन ने कबर्ड भी रखी हुई है यहाँ पे, जिसमें किसी के छोटे मोटे कपड़े सब इसने जिम वेयर वगैरह कर, कुछ ड्रेसेस जस्ट 10% ड्रेसेस लगाई है, वो भी कैसे जस्ट मैं पहनती हूँ फिर मेरा रखने का मन नहीं करता, मैं इसी में रख देती हूँ। इधर मैंने कबर्ड्स में भी अपने कपड़े ही रखे हुए हैं, लेकिन सबसे इजी क्या है, जो छोटे जितने भी टॉप है जो बिल्कुल आप तह नहीं कर सकते, क्योंकि इतने टॉप की तह नहीं होती, तो मैंने भर भर के सारे टॉप्स इसमें रखे हैं, जो भी मुझे चाहिए मैं ऐसे करती हूँ, निकालती हूँ और फिर रख देती हूँ। और ये जितना भी सामान आप देख रहे हो ये आईकिया से है, और जितनी भी स्टैंडिंग आप लोग देख रहे हो ये सब हमने मैन्युअली बनवाई है, मतलब एक बंदे को माने चंडीगढ़ से बना के भेजे थे, बिकॉज जो हमने आईकिया में कर्टेन देखे थे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद, क्योंकि हमें ना सीधा सनलाइट आती है, कि शायद पतले ना रह जाए, तो वो डबल करवाने का कोई ऑप्शन नहीं था। यस, और हाँ ये हमने बनवाए हैं एक बंदे से जो लोहे का काम करते हैं, उनसे बनवाए थे, और हैंगर्स हम लोग आईकिया का यूज कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो ये वाले हैंगर्स हैं, तो जिसपे हमारे कपड़े इजीली हो रहे हैं, और हैंगर्स हमने एडवांस में इतने लेके रख लेते हैं जिसमें कि हमारा चीज हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास है सारी मोस्टली वो वाली जैकेट्स जो मेरी ब्रांडेड है, और इनमें मैं कम यूज करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे वैसे वाली विंटर है नहीं, तो ये सबसे कम यूज हो रही है, इनमें भी है कुछ। लोगों ने क्या सोचा है कि हम इस वाली स्टैंडिंग को थोड़ा इधर करके ये पूरी दीवार पे ना शू रैक लगाएंगे, ओपन में शू रैक, ताकि इजिली अगर हमें कुछ चाहिए तो मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने अपने सारे परफ्यूम्स रखे थे, बट हुआ क्या, मे बी किसी ने यहाँ से पकड़ा होगा और कोई आई मैक देख रहा होगा, ध्यान दिया तो ये वाला जो कॉर्नर है ये वाला टूट गया, ये ऐसे होता है वरना इतना ही पास चिपका होता है, तो उसमें आप देख सकते हो गैप आ गया ये वाला, हमने तो इस वजह से इसके ऊपर से परफ्यूम हमने निकाल लिया अपने सारे कुछ मैं उधर ले गई हूँ। तो इसमें क्या है कि सबसे अच्छी मेरे को ड्रॉर्स में चीज लगी है ये वाला, ये खींचने वाले जो पार्ट है, इसमें मेरे छोटे टॉप है जो बहुत टैंक टॉप होते हैं जो आपको इजीली मिलते ही नहीं है, तो इतना मैं खुश हूँ ना जब से मेरी ये वाली कबर्ड आई, बिकॉज क्या
मैं खोलती हूँ जो निकालना है पहनती हूँ, वॉश होने के बाद सबको पता कौन सा कपड़ा कहाँ जाना है। और जितने भी मेरे जिम वेयर है वो मैंने सारे इसमें रखे हुए हैं, तो बहुत स्पेस भी मिल गया क्योंकि ये वाले ड्रॉर में लड़कियों को यही चाहिए, काफी स्पेस मिल जाता है। सो एक ही जो अंदर शेल्फ वाला एक ही पोर्शन है ये भी है वैसे, लेकिन मैं दिखाती हूँ इसमें इजीली कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन इसमें देखो ऐसा हो जाता है अगर कबर्ड आप सिंपल शेल्फ वाली मैस हो जाता है भाई बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो मेरा वो डाइसन वाला है और जो कपड़े अभी तक मैंने सर्दी की गलती से आ गए थे चंडीगढ़ से यहाँ और पहने नहीं वो रखे हैं। और इसके अंदर मेरे सारे टू पीस है, ये भी मैं आईकिया से लाई थी, इतना अच्छा है इसके अंदर, मतलब मेरा यहाँ तक हाथ नहीं जाता है ना मेरा मुंह जाता है यहाँ तक, तो मेरे को पता नहीं चलता कपड़े कौन से रखे, तो ये दिक्कत होती थी। इस बॉक्स को बाहर निकालो, इस पे जिपर है, खोलो अपने कपड़े देखो रख दो। फिलहाल के लिए थोड़े कपड़े मैंने इसमें मैस कर रखे हैं, ये मम्मी हैंगर पे तो मम्मी के टंग रहे हैं, इधर तो पूरी अलमीरा में मैस हो रखा अंदर तक। अभी गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जब हम लोगों का यहां पे शुरा आ जाएगा तो कैसी वाइब आया करेगी। एक बार इधर पकड़ना उन्होंने, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो जब हम ये वाला स्टैंडिंग यहाँ से हटा देंगे ऐसी वाइब रहा करेगी दूर से, जब आप लोग देखोगे तो हम इसको ऐसे यूज किया करेंगे तो दैट खुशी भी इजी रहेगी, खुशी को इजी रहेगा अपने कपड़े पिक। मेरे को तो हाँ वैसे भी इजी, मेरा इसलिए इजी हो जाएगा कि दैट मेरे पास उधर खुशी के कबर्ड खोलने का स्पेस हमारे पास बच जाया करेगा, ये देख सकते हो आप ऐसे करके, और यहाँ पे ये बीच में आ जाएगी सो दैट एक पाइप भी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। और हमारा जो शू रैक होगा ना, एग्जैक्ट हमने दो शू रैक खरीदे हैं उनकी लगभग जितनी साइज है, तो वो आराम से आ जाएगा हमारे सारे तो नहीं कहूंगा 60-70% शूज है जो कवर हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ, बिकॉज मैंने क्या सोचा जो मेरे ज्यादा पुराने वाले हैं, मतलब पुराने इन द सेंस के जो मैं पहनने वाले शूज हैं वो मैं वही रख दूंगी स्टोर रूम में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पे हमने ले लिए कम से कम ना करते करते 9 अटैची खरीद ली होंगे हमने, 6 अटैची तो हम लोग यहाँ खरीद के गए थे, 3 अटैची हमने जाके चंडीगढ़ में खरीदे हैं, क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं हम इतने अटैची इकट्ठे कर लेते हैं। इस बार फैमिली टूर था और चाहिए थे, क्योंकि क्या होता है कि जब वो उठा उठा के फेंकते हैं एयरपोर्ट पे तो वो टूट जाते हैं, तो इसलिए हमने ये था कि सबसे अच्छे वाले और बहुत सारे ले लें, तो इसलिए स्टोर रूम तो ऑलमोस्ट अटैची से भरा, कुछ अटैची तो स्टोर रूम में आई नहीं, हमने ऐसे कोनों में रखा। जैसे अभी मेरे स्लीपर्स हैं, ये मेरे नए स्लीपर्स हैं, ये वाले दी ने बर्थडे पे गिफ्ट करे थे, वो नीचे मैंने ऐसे रखे हैं जो मैं लेके आई थी, कुछ मैंने सारे स्टोर रूम में भरे हैं। सो आई वॉन्ट के जल्दी जल्दी शू रैक लगे, तो हमने अच्छे अच्छे कलेक्शन करो। सो ये था हमारा वार्डरोब टूर गाइस, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अभी हम बाहर निकलते हैं उससे पहले। सो अभी हम गिफ्ट अनबॉक्स कर लेते हैं, हमारी बहुत ही प्यारी से जो वीके फैम हमें जिम में मिल रही थी वो लेके आई है। ये वाला तो इरफान सर की बेटी ने बनाया था, वो देख लिया आपने, और ये लेटर उन्होंने लिखा था, बाहर उन्होंने लिखा है हैप्पी बर्थडे खुशी आंटी, और दिल में लिखा है विवेक राजा खुशी। और ये बहुत ही प्यारा सा कोई गिफ्ट भी लेके आई थी, मुझे बोल रही थी प्लीज आप अनबॉक्स करो, मैंने कहा बेटा मैं घर जाके इसको अनबॉक्स करूंगी और मैं व्लॉग में भी दिखाऊंगी। क्या होगा आपको क्या लग रहा है? गॉड है शायद, आई थिंक गॉड या कपल होंगे मे बी। वाओ गणपति जी, मुझे सबसे अच्छा मुंबई में यही लगता है कि सब आपको गणपति जी देते हैं, और वाओ इसको हम अपनी मंदिर में लगा देते हैं। गणपति जी भी आ गए हैं हमारे टेंपल में, वाह। मंचूरी मूवी लेके आ चुके हैं, रात के बज रहे हैं, तो पूछते हैं उनसे कैसी लगी मूवी। कैसी लगी? नेक्स्ट लेवल है ना, साला खोपड़ी घूम जाती है देखने के बाद बहुत देर तक। सीन वैसा ही है जो एंडिंग करी वो फर्स्ट पार्ट वाले करी, उसकी आंख खुले हैं और एकदम वो करता है सही है, मजा आ गया लेकिन वर्थ इट है ना, वर्थ इट है पूरा।